प्रिय विद्यार्थी हूँ। मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पिछली कक्षाओं में वनेचर मुख से दुर्योधन के विषय में हमने जाना कि अशंकिताकार मुपेति शंकितः, अर्थात आशंकित वह दुर्योधन शंका रहित स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। तब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि गूढ़ इंगित आकार और चेष्टा वाली दुर्योधन का भयभीत होना कैसे जाना। इस आशंका का समाधान करते हुए गुप्तचर प्रस्तुत पद्य में महाराज युधिष्ठिर से कहता है, कथा प्रसंगेन जनेरुदाहृता दनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम तवाभिधानात् व्यथते न तानन सदुसहान मंत्र पदादिवोर्गः। यहाँ पर कुछ संधि युक्त पद है। सर्वप्रथम उनका विच्छेद करते हैं। जनहि प्लस उदाहृतात् प्लस अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः। जनहि प्लस उदाहृतात्, यहाँ पर र का विसर्ग हो रहा है। उदाहृतात् प्लस अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः, यहाँ पर त का द हो रहा है। झलाम जशोन्ते सूत्र से जस्व संधि। तवाभिधानात् तव प्लस अभिधानात् दीर्घ संधि, और अभिधानात् में त का द हो रहा है। जस्व संधि। दुस्सहात् प्लस मंत्र पदात् प्लस इव प्लस उरगह। अन्वय है इसका, कथा प्रसंगेन जनै उदाहृतात् तव अभिधानात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः स दुस्सहात् मंत्र पदात् उरगह इव नताननः व्यथते। कथा प्रसंगेन, कथाया प्रसंग, कथा प्रसंगः तेन, कथा प्रसंगेन। कथा का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत, चर्चा। और प्रसंग प्रउपसर्ग पूर्वक संज धातु से घय प्रत्यय होकर प्रसंग बनता है। कथा प्रसंग का अर्थ होता है वार्तालाप के दौरान में, चर्चा की प्रसंग में। जनई, जन शब्द की तृतीया का बहुवचन है जनई। जनई अर्थात लोगों द्वारा, पुरुषों द्वारा। उदाहृतात् उदुपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से त प्रत्यय होकर उदाहृत, उदाहृत का अर्थ होता है कहे गए, उच्चारित। उदाहृतात् उच्चारित। तव अभिधानात् तव युष्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तव। तव का अर्थ है तुम्हारे, आपके। अभिधानात् अभिधान का अर्थ होता है नाम, नाम से, आपके नाम से। अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः, अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमः। आखंडल का अर्थ होता है आखंडयति भेदयति, पर्वतान आखंडलः, या आ अर्थात सम्यक, खंडयति पर्वत पक्षान यस आखंडलः। मैत्रायणी तथा काठक संहिता में उपलब्ध प्राचीन आख्यान के अनुसार पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, इसलिए इससे वे इच्छानुसार भ्रमण करते रहते थे। इस कारण पृथ्वी पर सर्वत्र अव्यवस्था व्याप्त थी। वे जहाँ बैठते थे वहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या को विनष्ट कर देते थे। तब इंद्र ने पर्वतों के पंख काट कर उनको एक स्थान पर स्थिर कर दिया। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के द्वितीय मंत्र में इस प्रसंग का वर्णन है।
य पृथ्वीं यथ मानामदृह्णत् य पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात् यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो ध्यां स्तभनात् सजनास इन्द्रः। तब से इंद्र को आखंडल कहा जाने लगा। तो आखंडल से तात्पर्य यहाँ पर इंद्र से है। सुनु सुनु पुत्रेनुजे रवौ इति विश्वकोश के वचनानुसार सुनु शब्द का अर्थ पुत्र, अनुज तथा रवि इन तीनों शब्दों में होता है। दुर्योधन के पक्ष में यहाँ पर सुनु से तात्पर्य पुत्र से है। आखंडल सुनु का अर्थ है इंद्र, इंद्रपुत्र अर्जुन। आखंडलस्य सूनु, आखंडल सूनु, आखंडल सूनुः विक्रमः इति आखंडल सूनु विक्रमः अनुस्मृतः आखंडल सूनु विक्रमो येन स अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः। अनुस्मृत याद कर लिया है, अनुस्मरण कर लिया है आखंडल सूनु इंद्रपुत्र अर्जुन के विक्रम पराक्रम को, येन जिसने स वह आखंडल अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम यहाँ पर स के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम अर्जुन के पराक्रम को याद करके स वह दुर्योधन दुस्सहात मंत्र पदात दुस्सहात दुखेन संयते इति दुस्सह दुर् उपसर्ग पूर्वक सह धातु से खल प्रत्यय होकर दुस्सह शब्द बनता है, जिसको बहुत कठिनाई से सहा जाए उसको कहते हैं दुस्सह। असह्य मंत्र पदात मंत्रस्य पदम इति मंत्र पदम तस्मात मंत्र पदात मंत्र के पद यानी अक्षर को शब्द को यहाँ पर दुस्सहात ये मंत्र पदात का विशेषण है। कैसे मंत्र के अक्षर को असह्य, असह्य मंत्र के अक्षरों को, असह्य मंत्र के अक्षर से, असह्य मंत्र से उरग इव, उर्गह इव, उर्सा गच्छति इति उर्गह। उरस का अर्थ होता है वक्षस्थल या छाती। यहाँ पर उर्गह से तात्पर्य सर्प से है, क्योंकि जो सांप होता है वह रेंगकर चलता है, पक्षीस्थल के सहारे चलता है, इसलिए उर्ग से तात्पर्य है सर्प। इव यहाँ पर उपमावाचक शब्द है। उर्ग उर्गह इव सर्प की तरह नताननः नतम आननम यस्य स नताननः। आनन का अर्थ होता है मुख और नतम का अर्थ होता है झुका हुआ है मुख जिसका, अर्थात नताननः का तात्पर्य है अधोमुख होकर नीची गर्दन करके, यह भी स का विशेषण है नताननः। व्यथते क्रियापद है, स करता है। व्यथते व्यथ पीड़ने इस अर्थ में व्यथ धातु से टटलकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है व्यथते। व्यथते का अर्थ है व्यथित होता है, पीड़ा का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है। कथा प्रसंगेन चर्चा के प्रसंग में जनई उदाहृतात पुरुषों द्वारा उच्चारित तव अभिधानात आपके नाम से अर्थात युधिष्ठिर के नाम से, क्योंकि यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर को ही संबोधित करके कह रहा है, आपके नाम से अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः अर्जुन के पराक्रम को याद करके स व दुर्योधन दुस्सहात मंत्र पदात असह्य मंत्र के अक्षरों से, असह्य मंत्राक्षरों से उरग इव, उर्गह इव सर्प की तरह नताननः नीची गर्दन करके व्यथते व्यथित होता है। यहाँ कथा प्रसंगेन जनै तवाभिधानात अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः ये तीनों पद श्लिष्ट हैं। इन पदों के अर्थ दुर्योधन और उरग दोनों पक्षों में भिन्न भिन्न होते हैं। दुर्योधन पक्ष में इनके अर्थों का ज्ञान हमने
प्राप्त कर लिया है। अब उरक पक्ष में इनके अर्थ हैं, कथा प्रसंगेन जनई, उरक पक्ष में इसका अर्थ है ईनास्ते जनाश्चेति इंजना, कथा प्रसंगेसु इंजना, कथा प्रसंगेन जना, तई कथा प्रसंगेन जनई, अथवा कथा प्रसंगेषु ईना, कथा प्रसंगे ना, कथा प्रसंगे नाश्च ते जनाश्च, कथा प्रसंगेना जना, तई कथा प्रसंगेन जनई। इनका अर्थ होता है श्रेष्ठ, इन जन का अर्थ होता है श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ व्यक्ति। और कथा प्रसंग, कथा प्रसंग का उरक पक्ष में तात्पर्य है विष चिकित्सक से, विष वैद्य, सपेरों, मांत्रिकों, इनको कथा प्रसंग कहा जाता है। झाड़ फूंक करने वालों को विष वैद्य कहते हैं, जो अपनी मंत्र शक्ति से सांप आदि के द्वारा काटे गए व्यक्ति का जहर उतार देते हैं। इसलिए कथा प्रसंगेन जनई, इससे तात्पर्य है विष वैद्यों में इंजन अर्थात श्रेष्ठ जनों के द्वारा, श्रेष्ठ विष वैद्यों के द्वारा, सर्प विष निवारण करने में प्रवीण विष वैद्यों द्वारा, सांप के विष के प्रभाव को दूर करने में कुशल मांत्रिकों द्वारा, सपेरों द्वारा। तवाभिधानात, इसका उरक पक्ष में तात्पर्य है तश्च वश्च तवौ, द्वंद्व समास है, नामेक देश ग्रहणे नाम मात्र ग्रहणात्, इस न्याय के अनुसार किसी के नाम के एक देश अर्थात एक अंश प्रथमाक्षर का ग्रहण करने पर उसे संपूर्ण नाम का ग्रहण मान लिया जाता है। अतः त से तात्पर्य यहाँ तार्क्ष्य अर्थात गरुड़ से है, जो कि सांपों का शत्रु माना जाता है क्योंकि यह सर्पों को खा जाता है। और व से तात्पर्य यहाँ वासुकी से है, वासुकी अर्थात सर्पराज या नागराज वासुकी। सांप इन दोनों से ही भयभीत रहते हैं, इसलिए तवाभिधानात, तवाभिधानात का अर्थ है तार्क्ष्य और वासुकी के नाम से युक्त अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः, अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः, इसका उरक पक्ष में तात्पर्य है आखंडलस्य सुनु, आखंडल सुनु, सुनु का तात्पर्य उरक पक्ष में है अनुज से, छोटे भाई से है। आखंडल का अर्थ होता है इंद्र, तो आखंडल सुनु का अर्थ है इंद्र के छोटे भाई, इंद्र का छोटा भाई विष्णु को माना जाता है, जिसको उपेंद्र भी कहा जाता है। तो उपेंद्र अर्थात इंद्र के छोटे भाई के रूप में अपने पांचवें अवतार वामन अवतार के अवसर पर इनको विष्णु को स्वीकारा गया है। तो आखंडल सुनु से तात्पर्य यहाँ पर इंद्र के छोटे भाई अर्थात उपेंद्र विष्णु से हैं। आखंडल सुनु वी, आखंडल सुनु वी, वी का अर्थ होता है पक्षी, और विष्णु का गरुड़ पक्षी के साथ संबंध माना जाता है क्योंकि गरुड़ विष्णु का वाहन है। इसलिए आखंडल सुनु वी से तात्पर्य है गरुड़ पक्षी से। तस्य क्रमः आखंडल सुनु विक्रमः, अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमो येन स अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः, अनुस्मृत याद कर लिया है आखंडल सुनु वी अर्थात गरुड़ के क्रम, क्रम का अर्थ है पाद विक्षेप को, येन जिसने स वह अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः, यह उरग का विशेषण है। इस तरह से इस पद्य का अर्थ होगा कथा प्रसंगेन, चर्चा की प्रसंग में
जनै उदाहृतात् जनै पुरुषों द्वारा उदाहृतात् उच्चारित तव अभिधानात् आपके नाम से अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः अर्जुन के पराक्रम को याद करके स व दुर्योधन नताननः नीची गर्दन करके व्यथते उसी प्रकार व्यथित होता है जिस प्रकार कथा प्रसंगेन जनई अर्थात श्रेष्ठ विश्ववेद्यों द्वारा उदाहृतात् उच्चारित तवाभिधानात् तार्क्ष्य और वासुकी के नाम से युक्त दुस्साहात मंत्र पदात् दुस्साहात असह्य मंत्र पदात् मंत्र से अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः विष्णु के वाहन गरुड़ के पाद विक्षेप को याद करके उरग व्यथते सर्प व्यथित होता है नतानन व्यथते नतानन का सर्प पक्ष में तात्पर्य है फन नीचा किए हुए व्यथते व्यथित होता है। यहाँ श्लेषानुप्राणित उपमा है वह दुर्योधन स यहाँ पर उपमेय है उरग उपमान इव उपमावाचक शब्द और अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम और नताननः ये दोनों समान धर्म है साधारण धर्म है इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है और श्लिष्ट पदों के कारण श्लेष अलंकार है। श्लेष का लक्षण है श्लिष्टे पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते इसलिए श्लेष्टानुप्राणित उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। श्लिष्ट पदों के प्रयोगों की क्षमता कवि के नैपुण्य की परिचायक होती है अतः कवि द्वारा प्रयुक्त श्लेष चमत्कार उसकी उसका भाषा पर प्रभुत्व होने का प्रमाण है। दुर्योधन बहुत सावधान रहता था अपने आशय के गोपन में वह हमेशा प्रयत्नशील रहता था फिर भी कुशल गुप्तचर की सूक्ष्म दृष्टि ने भावी पराजय की आशंका से दुर्योधन के अंतस्थल में त्रस्त होने की गुह्य बात भी भाप ली क्योंकि परिंगित ज्ञान फलाही बुद्धय यह बुद्धि का लक्षण है और बुद्धिमान होना चार का बहुत आवश्यक गुण माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत पद्य में आखंडल सुनु अर्थात इंद्रपुत्र से तात्पर्य अर्जुन से है। इस संदर्भ में महाभारत का एक प्रसंग उल्लेखनीय है। श्री कृष्ण के पितामह राजा सूरसेन की कन्या थी प्रीथा। राजा कुंती भोज के कोई संतान न थी इस कारण सूरसेन ने प्रीथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज की पुत्री बनने के कारण प्रीथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने एक वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। कुंती की सेवाओं से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे एक दिव्य मंत्र का उपदेश दिया कि जब भी वह यह मंत्र पढ़कर किसी देवता का ध्यान करेगी तो वह कुंती के सामने प्रकट होगा और अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र उसे प्रदान करेगा। त्रिकालदर्शी महर्षि दुर्वासा ने दिव्य ज्ञान से यह मालूम कर लिया था कि कुंती को अपने पति से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी इसी कारण उन्होंने उसे ऐसा वर दिया। कुंती उस समय बालिका ही थी। मंत्र का प्रभाव जानने की उत्सुकतावश एक दिन सूर्योदय के समय उगते सूर्य का ध्यान कर कुंती ने वह मंत्र पढ़ा तो सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य की समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ
कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कुछ समय बाद कुंती विवाह योग्य हुई और हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ कुंती का विवाह हो गया। कुंती ने देखा कि महाराज को पुत्र लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप वश वह पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। इसे देखकर कुंती ने पति से कहा कि उसके पास महर्षि दुर्वासा से वरदान स्वरूप प्राप्त एक मंत्र है, जिसकी सहायता से यदि वह किसी भी देवता का ध्यान करे तो वह प्रत्यक्ष होगा और उसके अनुग्रह से वह संतान प्राप्त कर सकती है। पांडु इसके लिए सहर्ष सहमत हो गए। तब मंत्र के बल से कुंती ने यमदेव, वायुदेव और इंद्र देवता का साक्षात्कार कर उनके अनुग्रह से क्रमशः धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक पुत्रों को प्राप्त किया। कुंती के मंत्र की सहायता से पांडु की द्वितीय पत्नी माद्री ने भी देवताओं के वेद्य अश्विनी कुमारों का साक्षात्कार कर उनके अनुग्रह से नकुल और सहदेव नामक जुड़वा बालकों को प्राप्त किया। इस प्रकार आखंडल सुनु अर्थात इंद्रपुत्र से तात्पर्य यहाँ अर्जुन से है। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ इति शुभम।